प्लसीबो क्या है? प्लसीबो यानी ऐसी दवा जिसमें कोई दवा हो ही नहीं, फिर भी आप उससे ठीक हो जाते हैं। और ये आपके लिए फायदेमंद जब तक होगा जब तक आपको पता ना हो कि ये प्लसीबो है। एक्चुअली प्लसीबो एक प्रोसेस या दवा को कहते हैं जिसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती। मगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कार्बन पेपर पर खींची गई लकीर। अब ये लकीर तो है लेकिन पेंसिल नहीं है, मगर लकीर तो है। प्लसीबो एक प्रक्रिया व दवा का एक स्वरूप है जिसके अंतर्गत टैबलेट, इंजेक्शन और सर्जरी की जाती है, वो भी डुप्लीकेट, जिसकी अपनी कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये मरीज पर कोई हार्म नहीं करती। मानो ये दवा एक मीठी गोली है, ये इंजेक्शन एक सलाइन है और ऑपरेशन है वो भी फेक। मगर इन सभी प्रक्रियाओं का पेशेंट्स पर एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज पड़ता है और इस इफेक्ट को कहते हैं प्लसीबो इफेक्ट। प्लसीबो इफेक्ट क्या है? प्लसीबो इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसके अंदर हम किसी बीमारी के लिए दवा नहीं प्लसीबो देते हैं, जिसकी कोई अपनी मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती, उसके बावजूद ये मरीज पर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाता है। यानी कि दवा के स्वरूप में लिया गया प्लसीबो जब बीमारी पर इफेक्ट करता है उसको हम प्लसीबो इफेक्ट कहते हैं, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में बहुत सारे वॉलंटियर्स को लाया जाता है, फिर वॉलंटियर्स को दो ग्रुप में बांटा जाता है। एक ग्रुप को दवा दी जाती है, दूसरे ग्रुप को प्लसीबो दिया जाता है। लेकिन किस ग्रुप को प्लसीबो मिल रहा है और किस ग्रुप को दवा दी जा रही है, ये ना लेने वाले को पता होता है और ना देने वाले को। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डबल ब्लाइंड प्लसीबो इफेक्ट। एक्चुअली इस प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि हम पता लगा सकें कि दवा किस स्वरूप में कितनी कारगर है, या कहें यूँ कहें कितनी सफल है। अब जिन्हें दवा दी गई है उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने प्लसीबो लिया है उनमें भी कुछ चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ काम करता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब उनकी नज़र में तो उन्होंने दवा ली ही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि दवा शरीर में जाकर बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है। दवा सिर्फ हमारे शरीर में जाकर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को उत्तेजित करती है ताकि हम बीमारियों के खिलाफ लड़ सकें। लेकिन अगर वो अपनी मानसिक रूप से सोचते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं तो उनका इम्यून सिस्टम इसी तरह से रिएक्ट करने लगता है और वो प्लसीबो लेने के बावजूद भी ठीक होने लगते हैं। स्वस्थ होने के तीन मानक हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं तो आप शारीरिक और सामाजिक रूप से कभी ठीक नहीं हो सकते। इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप अपनी अंदरूनी मानसिक शक्ति को पहचानें और खुद को मानसिक रूप से इतना तैयार कर लें कि आपको किसी भी बाहरी दवा की जरूरत ना पड़े, क्योंकि दवाएं इफेक्टिव तो होती हैं लेकिन साथ ही साथ हार्मफुल भी होती हैं। इसलिए भारतीय परंपरा के अनुसार जैविक और प्राकृतिक पद्धति के इलाज को अपनाएं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस फायदे ही फायदे हैं। धन्यवाद।